हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर गाइस जो माइक्रोसॉफ्ट टीम यहाँ पर जो क्लासेस होते हैं इसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस, तो इसके अंदर गाइस यहाँ पर जो डेटा है वो बहुत यूज़ होता है, तो यहाँ पर डेटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है आपका। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे आप डेटा यूसेज कम कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा देर तक यहाँ पर क्लासेस ऑनलाइन कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। और अगर कहीं जब इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइस सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे जैसे यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं तो यहाँ पर गाइस डेटा इसका डेटा यूसेज जैसे वो बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स में जाना होगा। ऐप्स के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इसके अंदर आपको चले जाना है। माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको फोस्टॉप कर लेना होगा। फोस्टॉप करने के बाद गाइस यहाँ पर स्टोरेज में जाना होगा। स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर कैच कर लेना होगा सबसे पहले। फिर यहाँ पर आपको क्लियर डेटा कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको याद रखिएगा, क्लियर डेटा करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आपकी जैसे आईडी डालना होगा, आपको फिर से रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा, जिससे जो डेटा यूसेज है वो बहुत कम हो जाएगा। आप ऐसे कर दीजिएगा जिससे यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपका जो डेटा है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप ये ट्रिक करके देखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लिए थैंक यू वेरी मच।